एंड वेलकम बैक टू पहाड़ नरनाज यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग वेल वेयर एवर यू आर। सो गाइज, अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ और मेरा मॉर्निंग रूटीन हो चुका है। पानी मैंने भर दिया है और आज है 22 नवंबर और आज व्लॉग शुरू कर रही हूँ अराउंड 9 o'clock और अभी सारा मॉर्निंग का काम हो गया। तो जैसे कि मुझे आज छुट्टी है तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ, मुझे जाना है हॉस्पिटल कुछ काम से, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। सो वहाँ का मैं शूट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता प्रोफेशनल लाइफ में ये सारी चीज़ें, बहुत कम शूट करूँगी, अगर करूँगी भी तो क्या होता है, लेट्स सी। और आपको मैं बता दूँ, यहाँ ठंड हो चुकी है, मैंने गर्म जो ब्लैंकेट है, गर्म कम्बल जो है, वो सारा कुछ निकाल दिया। सो अब होती मैं फटाफट से रेडी, ब्रेकफास्ट करती हूँ और नहाती हूँ, फिर जाती हूँ। तो गाइज मैं जा रही हूँ अभी हॉस्पिटल और रेडी हो चुकी हूँ। 11 बज गए हैं मुझे, 11:30 के टाइम हुआ है। अब निकलती हूँ मैं सबसे पहले हॉस्पिटल और मिलती हूँ पेशेंट से। एक्चुअली वो रिलेटिव है तो मैं मिलने जा रही हूँ। सो बाकी डिटेल में मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि समवंस पर्सनल इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है बतानी चाहिए, और खासकर ये सारी चीज़ें। सो चलिए अब फटाफट से जाती हूँ और फिर देखती हूँ क्या बनता है। फाइनली आज कपड़े तो सूख ही जाएंगे और ऑलमोस्ट सूख ही गए हैं, और अभी यहाँ से धूप भी जाने वाली है तो मैं निकल जाती हूँ, जब तक मैं आऊँ धूप चली जाएगी। सो गाइज ये देखिए, मैं हॉस्पिटल से वापस आ रही थी। ये वही प्लेस है जहाँ पे इस बार बहुत नुकसान हुआ था जब वो आपदा आई थी, तो अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है ये। सो हेलो, वेलकम बैक गाइज। और अभी हो रहा है 4 बजे के अराउंड टाइम और मैं अभी पहुंच रही हूँ हॉस्पिटल से, और लिटरली गाइज बहुत थकी हूँ क्योंकि मुझे 1 घंटे डॉक्टर का वेट करना पड़ा क्योंकि मुझे थोड़ी सी भैया की रिपोर्ट्स दिखानी थी, तो उस वजह से। और अभी पहुंच रहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मैं सीधा पेट पूजा करने वाली। वैसे खाना बनना था बट मैं मोमोज खाने वाली हूँ क्योंकि आजकल ना गाइज बहुत जंग हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर टाइम नहीं मिलता तो जंक फूड ही एक ऑप्शन होता है, तो मैं वैसे अवॉइड करती हूँ बट स्टिल चेंज करती हूँ अभी, फिर जाके चाय वाय बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो फाइनली अभी मेरी चाय बन रही है क्योंकि गाइस मुझे चाय बहुत पसंद है, बट मैं दिल्ली की 2 चाय प्रेफर करती हूँ, बहुत ओवर नहीं करती। सो मेरी चाय ऑलमोस्ट बन ही गई है, फिर मैं अब थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, स्नैक्स खाऊंगी क्योंकि मोमोज मैंने ऑलरेडी खा चुकी हूँ। सो थोड़ा रिलीफ मिला और फिर रेस्ट करके फिर व्लॉग शूट करूँगी। हाय गाइस, गुड इवनिंग। और अभी मैं सो के उठी हूँ, इवन मैं इतने थक चुकी थी क्योंकि यहाँ पे शिमला में इतना चलने के लिए, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर मैंने ये खाया है सॉलिड मस्ती, और मैं इसको खाते खाते ही सो गई और अभी उठ रही हूँ 6 बजे। और जब मैंने बाहर देखा कि अंधेरा हो चुका है, मुझे लगा ओह अभी तो उठना पड़ेगा। सो मेरा टायर्डनेस काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, तो अब शाम की तैयारी करनी पड़ेगी खाना बनाने की। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आज अच्छे से शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि बिजी थी, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको हमेशा नहीं दिखा सकते। सो अभी कंटिन्यू करूँगी व्लॉग, मोस्ट प्रोबेबली कल मॉर्निंग तक मैं ये व्लॉग डालूंगी। सो आने वाले व्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, तो आपको उसके लिए मेरे वीडियोज़ में बने रहना पड़ेगा। सो चलिए अभी उठती हूँ और अभी मुझे कपड़े फोल्ड करने को है, वो देख लेती हूँ, सूख गए होंगे आज तो। सो गाइज यहाँ पे मैं कपड़े लेके आ गई थी बाहर से और मैंने फोल्ड करना स्टार्ट कर लिया था, अपने यूनिफॉर्म एप्रन सारा कुछ मैंने धो लिया था, सो दैट कि नेक्स्ट जब भी मेरी ड्यूटी स्टार्ट होगी तो दोबारा फटाफट से सारे क्लॉथ्स मुझे वॉश्ड मिले, और मुझे घर भी जाना है कल। और आपको बताऊँ, मुझे अभी नींद आ रही थी, मैं इतनी टायर्ड हो चुकी थी गाइज क्योंकि दौड़ भाग में बहुत थक जाता है, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं लिटरली सो जाऊँ, और खाना खाने का दिल भी नहीं कर रहा था, तो मैंने खाना खाया और मैं सीधा सो गई थी। और आजकल काफ़ी ठंड हो चुकी है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी हो रहा है 7:30 के अराउंड टाइम और बहुत धूप लगी है, और मैं अभी उठ रही हूँ और आप मेरे फेस को देख रहे होंगे कि तो स्वेल हो गया है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जो सोते नहीं है उनका फेस स्वेलिंग हो जाती है, बट मैं जब बहुत ज़्यादा सोती हूँ ना तब मेरी फेस की स्वेलिंग हो जाती है, तो अभी मैं बिल्कुल ऐसी चिंपू सी लग रही हूँ। सो गाइज अब उठते हैं और करते हैं दिन की शुरुआत, और थोड़ी देर मुझे बाद बहुत सारे काम है गाइज आज भी, और अभी भी मैं शिमला ही हूँ, और क्या काम है वो तो आपको व्लॉग देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग एंड कीप वॉचिंग।
सो कल सो गई थी गाइज और नया दिन हो गया था शुरू और बहुत ही प्यारी सी मॉर्निंग के साथ। आज भी मुझे काफ़ी काम है, वो तो मैं अब बताती हूँ धीरे धीरे। सबसे पहले मेरा काम होता है मेरे बेड को रैप करना, प्रॉपर सेट करना, आफ्टर दैट नहाना और उसके बाद झाड़ू पोछा पूजा एंड ऑल सारी चीज़ें। सो गाइज अभी मैं क्लीनिंग कर रही थी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या क्या करना होता है। सो मैंने क्लीनिंग कर ली है और मेरा भी देखियो। और मुझे ना गाइज यूजुअली जब भी सर्दी होती है ना, बहुत सारे लोगों को क्या है, बहुत सारे लोगों को पसंद है कि वो लोग ब्लैंकेट और रजाई अपने बेड पे रखे, बट मुझे बिल्कुल पसंद है, मुझे मेरा बेड बहुत क्लीन चाहिए। और यहाँ देख लीजिए गाइज, मैंने रात की राजमा डाली थी, कितने अच्छे से फूल गई है। मैंने एक्चुअली गर्म पानी में डाली थी तो ये अभी तक फूल चुकी है, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ राजमा, और राजमा मेरा फेवरेट भी है। और आज मेरे पास कोई आने वाला है तो उसके लिए आप व्लॉग देखना पड़ेगा कि कौन आने वाला है। फटाफट से गाइज मैं अभी पानी भरती हूँ सारा, क्योंकि 10:30-11 बजे पानी चले जाएगा। सो फटाफट से काम करती हूँ और फिर मिलते हो आपसे। सो हेलो गाइज, अभी मैं बैठी हूँ धूप में, धूप का आनंद ले रही हूँ एक तरह से, और अभी मैं पानी पी रही हूँ। और गाइज ये मेरी बेस्ट लोकेशन है बैठने की, यहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें जो है अपना मी टाइम कह सकते हो आप, मैं वो यहाँ स्पेंड करती हूँ बाहर व्यू को एंजॉय करके और चाय पानी पी के। सो चाय भी मैं यहीं पीती हूँ और पानी भी यहीं पीती हूँ, और बिकॉज यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है और माउंटेन्स में रहना किसको पसंद नहीं है। तो फटाफट से पानी पीती हूँ, अभी मुझे बहुत काम है, किसी ने मेरे पास आना भी है। और सो कल भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल था और आज का देखते हैं।